Ladies and gentlemen, please welcome Team 1, Sing Surma. Let me welcome Team 2, Dikana Rider. इंतजार है ऑफिशियल गौतम सैनी के विसल का। विसल बच चुकी है पहली रेड बीकानेर राइडर्स की तरफ से। टॉस जीता गया था सिंह सूरमा ने, उन्होंने हमेशा की तरह गोल किया। पहली रेड डालने के लिए बीकानेर राइडर्स के राइडर जर्सी नंबर 14 के रूप में रेड करने का प्रयास किया जा रहा है। लेफ्ट टू राइट शफल जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता मिली नहीं है। रमन शुरुआत अच्छी करनी चाहते थे अपनी टीम के लिए, एम्प्टी रेड से ही संतोष रॉय को वर्ष से सतर्क रहना पड़ेगा। बैकिंग एक बार फिर लगाया, 30 सेकंड का समय मिलता है आपको अपनी गेंद पे, लेकिन उसको यूटिलाइज भी करना रॉयल्स ने किया। शायद क्लेम करने की कोशिश है, बोनस साइड को पार जरूर कर दिया, लेकिन एक लाजवाब टैकल राहुल ने इनिशिएशन दिखाया। कॉम्बिनेशन टैकल के अंदर भर लिया गया बीकानेर राइडर्स ने। जीत होती है, बस उम्मीद मत हारिए, खुद की उम्मीद से वो हौसले के पंख लाइए। क्या वो हौसले का पंख यहाँ पर आया है आयुष का? ये पूरी टीम ऑल आउट हुई है, देखना होगा ऑफिशियल का फैसला। ये तो अद्भुत कारनामा कर दिखाया है दिनेश ने, ऑल आउट करार दिया है। 7 अंकों की रेड राइडर्स की, उसको खराश करते हुए नजर आए। सबसे पहले वो कॉर्नर के खिलाड़ी को ले जाना चाहते थे, राहुल ने एंकल होल्ड किया, उसके बाद पूरी की पूरी टीम उसके ऊपर धावा बोलती भी नजर आई। हितेश ने अपने हाथ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहाँ पर मिड लाइन को पार करते हुए नजर आया अपनी टीम के लिए। 7 अंक एक ही रेड के अंदर निकालना अद्भुत वो दृश्य किए, जिसमें उन्होंने 11 अंक दिए हैं सामने वाली टीम को, वरना अगर वो दो गलतियां नहीं होती तो स्कोर कुछ और होता उससे तो पता नहीं पहले। लेकिन यहाँ रेडर को बाहर जाना होगा और स्कोर का इजाफा यहाँ पर सिंह चूरमा के खामे में होगा, बाहर जाना होगा। वहां पर डबल एंकल करने चले गए पर लेकिन सफल नहीं हुए। यहाँ पर लक्ष्य आए हैं और ए यहाँ पर रमन राहुल को यहाँ पर उन्होंने अपना लक्ष्य साध कर लौटे हैं। ये जो पिचल है इसका मतलब ये होता है कि हाफ टाइम हो चुका है, 20 मिनट का खेल खेला जा चुका है, 20 का और खेला जाना बाकी, और हर हाफ के बाद दोनों टीम अपना जो कोर्ट है उसको चेंज कर लेती है। जानते हैं कि बोनस अगर एक बार ले लेंगे तो वो अपने आप को सेव कर लेंगे, और लेकिन वो बोनस से संतुष्ट नहीं होना चाहते। वो काफी डीप चले गए और इतने डीप चले गए कि उसके बाद डिफेंडर ने उन्हें डैश कर दिया बाहर। अभी देखना होगा पिचल का फैसला। जी हाँ, रेडर यहाँ आउट होते हुए के लिए एक ही दिन में दो ऐसी टीम जिनको कभी हार मिली नहीं थी, आज क्या वो हार का स्वाद चखेंगी। और एक तो चीज कॉमन उनके साथ थी ना, हारे तो वो नहीं थे पर उनके टाई भी मुकाबले थे। जयपुर जैगुआर्स भी एक टाई खेली थी, बीकानेर राइडर्स भी एक टाई खेली थी, और टाई खेलने वाली वहां पर जो टीम थी इस समय यहाँ पर इस खिलाड़ी का एक और अद्भुत प्रदर्शन नजर आया है। 2 अंक लेकर आए हैं, उनको आउट कर देंगे। यहाँ पर लगभग गलती होते होते रह गए अनिरुद्ध से, चेन तोड़कर वहां पर एडवांस टैकल करने चले गए लेकिन समय से पलट गए, इससे बच गए। यहां पर लेफ्ट कॉर्नर में डीप पे जाने का प्रयास, फिर राइट कॉर्नर में आए लेकिन यहां पर डिफेंस से नहीं बच पाएंगे, और यहां पर बीकानेर राइडर्स सिंह सूरमा को दूसरी बार ऑल आउट कर दिया है। गेंद को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये इस मुकाबले की अंतिम रेड हो सकती है। 10 अंकों का मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन है सिंह सूरमा के। सूरमा को आज प्राउड होगा अपने एफर्ट के ऊपर, गलती से ये जो चूक हुई है, लेकिन अच्छी चीज ये कि सिंह सूरमा अफोर्ड कर सकती है, अजय को मैच से बाहर जाना पड़ेगा। क्या ये मैच की अंतिम रेड थी क्या नहीं, ऑफिशियल अगली रेड डालने के लिए कह नहीं रहे, फिसल बच चुकी है, मुकाबला समाप्त हो चुका है। सिंह सूरमा ने आज के दिन के अंतिम मुकाबले में 2 अंकों से बीकानेर राइडर्स को शिकस्त दी है। So ladies and gentlemen, let me welcome the man of the match. And this goes to Hitesh. With this, congratulations, Singh Surma and Hitesh, man of the match, sponsored by Riala Lifestyle. That's all from the post-match presentation, ladies and gentlemen.